हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तो भाई आ जाओ फटाफट सबके सब लोग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट बैंकिंग न्यूज, यानी कि जो हम लोग का पहले भी चल रहा था। आप लोगों ने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, आज में भी हम वही चीज लेके चल रहे हैं, उसी पार्ट को हम आगे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज और बताते हैं आपको कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे सभी के सभी, ओके। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, ओके। जितने भी नए दोस्त हैं अगर उनकी और दोस्तों जिनका एग्जाम है, अगर हम आपको बताते हैं कि जिनका SBI CBO का एग्जाम है, वो आप अच्छे से फॉलो करो इस क्लास को। और तो और साथ ही साथ आपको बता दें, जिनका IBPS PO मेंस है, IBPS PO मेंस, उसके लिए भी ये क्लास सबसे सूटेबल है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। दोस्तों, SBI CBO का जो लाइव क्लास है, ये आप इनरोल करा सकते हो। इसमें आपको कोड याद रखना है 307Y307, कोड लगा के इस CBO के लाइव बैच में इनरोल करा सकते हो आप। और दोस्तों, प्रिंटेड बुक के लिए आपको ऑर्डर करने के लिए बुक आपको कोड आपको याद रखना है 307S, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोड लगाना है 307S, ठीक है। ये दोनों कोड के लिए आप 307S और लाइव क्लास के लिए 307। महादेव भैया महादेव, राधे राधे सबको, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी फॉर्मड बाय RBI टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन एंटिटीज रेगुलेटेड बाय इट। दोस्तों, आरबीआई द्वारा भी हाल ही में अभी RBI द्वारा हाल ही में एक रिव्यू, कस्टमर रिव्यू सर्विस स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया, और इस कमिटी के हेड बनाया गया किसको, बीपी कानून को। किसको बनाया गया, बीपी कानून को उसका हेड बनाया गया। और इस कमिटी में टोटल कितने सदस्य थे गाइस, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा। इस कमिटी में टोटल कितने सदस्य थे? हाय रिचा, गुड इवनिंग बच्चे। पलक, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। और DY गवर्नर ऑफ, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ, ऐसे आत्मा फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI BP कानून को। और दोस्तों, एक चीज आत्मा, फर्स्ट मीटिंग यानी कि आफ्टर 3 मंथ ये रिपोर्ट सौंपेंगे, पहली मीटिंग के बाद, फर्स्ट मीटिंग के 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे अपना, ठीक है। और कितने सदस्य थे, 6 मेंबर। आपको ये याद ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ, वेरी वेरी गुड। जिनको पता है अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर आप परचम की क्लासेस कर रहे होंगे तो उसमें भी हमने डिस्कस करा रखा है, ये मैंने बताया भी है इनफैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। इंडिया एंड US रिसेंटली साइंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। दोस्तों, इंडिया और US ने रिसेंटली साइन किया है एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट ऑन 23 मई 2022 इन। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने अभी हाल ही में 23 मई 2022 को निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आपको याद रखना, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। दोस्तों, इंडिया और US ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट को साइन किया है, इनमें से किस जगह पर। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो सकता है, आपका यहाँ पे टिक कर सकते हो US, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर ये कहाँ पर, यानी कि IIA, अगर हम इसकी बात करें तो गाइस इसका आंसर होगा आपका टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया और जापान, तो दोस्तों इंडिया और जापान, तो इसमें एक्सरसाइज भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज जिमेक्स, ये जानते होंगे आप, सैन्यु मैत्री, और जिमेक्स आपको पता होगा धर्म गार्जियन, ये आप जानते होंगे टोक्यो, यानी कि जापान के साथ, इंडिया और जापान के साथ, ठीक है। टोक्यो दोस्तों, एक चीज और याद ना, अभी भी अगर हम बात करें क्वाड नेशंस, ठीक है, 4 कंट्रियां हैं आपको पता होगा, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्वाड नेशंस में आते हैं 4। और दोस्तों, अभी मालाबार, अगर हम बात करें मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज के लिए जो एक्चुअल एक वेन्यू था, वो था जापान में 2022 में। 2023 में कहां होने वाला है, तो वो होगा इंडिया में, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी यहां से आप लोगों ने। लंदन, IIM कॉमन मैन इन लंदन, ये ट्रिक बना लेना आपको। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। कैनेडा, कनाडा दोस्तों, जस्टिन ट्रूडियो ने अभी क्या किया, हैंडगन के लिए, हैंडगन कोई ना खरीद सके, कोई बेच ना पाए, ना तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, इसके लिए एक बिल पास किया जस्टिन ट्रूडो ने। सिडनी, अभी आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में अभी यह मैच भी था। तो आपको ऐसे याद रखना है
ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक नई क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ 20 लाख मीट्रिक टन ऑफ क्रूड सोयाबीन ऑयल पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ। दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी 20 लाख मीट्रिक टन का जो क्रूड सोयाबीन ऑयल पर एनम जो आ, आ, जो गवर्नमेंट ले रही थी, इंपोर्ट कर रही थी, उसके ऊपर से टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया। कितने टाइम तक के लिए, व्हाट इज द टाइम या ड्यूरेशन क्या था उस टैक्स को जो एग्जम्प्ट किया गवर्नमेंट ने। अभी आपने देखा होगा तभी तो जब क्रूड सोयाबीन ऑयल को गवर्नमेंट ने 20 लाख मीट्रिक टन की इंपोर्ट को एग्जम्प्ट फ्री कर यानी टैक्स फ्री कर दिया, तो आप यही रीजन रहा है। आपने देखा होगा सोयाबीन ऑयल का रेट भी थोड़ा डाउन हुआ है, देखा है ना, सोयाबीन ऑयल का रेट थोड़ा भी डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं जिसके ऊपर टैक्स लगते थे वो कम हो गए। तो गाइस आपको याद कर, 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट करती थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया। ये आपको याद रखना, 2 इयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। 20 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल पर एनम आता था इंडिया में, इंडिया ने 2 साल के लिए इसके ऊपर एग्जम्प्ट कर दिया, बोला कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। जब टैक्स नहीं लगेगा तो चीजें सस्ती रहेंगी, यानी पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट सस्ता रहेगा 2 इयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ILO रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ऑन द वर्ड ऑफ वर्क 11.2 करोड़ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। द रिपोर्ट इज द एडिशन ऑफ ILO मॉनिटर ऑन द वर्ड ऑफ वर्क। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, जो सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि ILO इनमें से कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है फॉर वर्क, यानी कि कह सकते हो कि जो 11.2 करोड़ जॉब हैव बीन लॉस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर, ये रिपोर्ट किस रिपोर्ट, यानी कि ये पर्टिकुलर आंकड़े किस रिपोर्ट में इन्हें सौंपे, तो वर्ड ऑफ वर्क में। और ये कौन सा संस्करण है, ये 9वां संस्करण है, 9th edition गाइस, ये याद रखना आप लोगों ने, 9th edition ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, तो दोस्तों ये आपको याद रखना, 1919 में, ठीक है। आपको पता होगा 1919 की बात करें तो इसी साल दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और इसी साल प्रेस PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी स्थापना की गई थी। PIB आप लोग पढ़ते होंगे ना, PIB से करंट अफेयर, तो वो PIB, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1919, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब इसी साल हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, हु इज द लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन क्या है, स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में भारत का प्रतिनिधिमंडल के तौर पर कौन अपॉइंट, यानी कि प्रतिनिधिमंडल के तौर पर कौन गया, या फिर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कौन रहा इंडिया की ओर से, ठीक है। जो मीटिंग कहां हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। गाइस कौन गया था इसमें, आपको पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गाइस याद रखना, इसके हेड कौन है, क्लॉस स्वैब। कौन हेड है, क्लॉस स्वैब। क्लॉस स्वैब इज द हेड ऑफ किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना, इसका कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब गए थे इसमें, यानी कि जब जब मीटिंग, मोदी जी नहीं गए थे पलक, पीयूष गोयल गए थे, ये याद रखना, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, पीयूष गोयल, ये इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव या डेलीगेशन में इनका नाम लिया गया था और ये गए थे यहाँ पर, राधे राधे रोहित भाई महादेव। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल लोन अगेंस्ट शेयर्स फैसिलिटी। दोस्तों इनमें से किस पर्टिकुलर
बॉडी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन ने ये बोला है कि हम आपको डिजिटल लोन देंगे अगेंस्ट किसके शेयर्स फैसिलिटी, यानी कि शेयर और डिबेंचर की जो फैसिलिटी है उसके अगेंस्ट में हम आपको डिजिटल लोन देंगे। इनमें से किसने बोला, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल या इंडिया फाइनेंस? फटाफट जवाब दीजिएगा किसने बोला। तो दोस्तों याद रखिएगा सीबीओ के एग्जाम में लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो आपको इस बार भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 30 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपके करंट बैंकिंग न्यूज होगा। तो आपको उस चीज को अपडेट रखना है। अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तब भी आपके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज अगर आप जा रहे हो एसबीआई पीओ का एग्जाम दोगे, मेंस दोगे, अभी प्री होगा फिर मेंस होगा, तो मान लो 1 महीने 1.5 महीने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको तब भी आपको ये ऐसे क्वेश्चंस फेस करने ही होंगे मेरे चैंप। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है टाटा कैपिटल। दोस्तों किसने, टाटा कैपिटल ने ये बोला क्या कि अगर आपके पास आपने शेयर वगैरह ले रखा है, शेयर है, आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा, चाहे LIC हो, चाहे वो पेटीएम हो, डजंट मैटर, अगर आपके पास शेयर फैसिलिटी है, शेयर है, तो आप उस शेयर के बदले हमसे लोन ले सकते हो, डिजिटल लोन हम दे सकते हैं हम आपको। तो किसने बोला है, टाटा कैपिटल ने। ओके गाइस नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग अपने मूव करते हैं और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, विच बैंक हैज पार्टनर्ड, दोस्तों विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिटेलियो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों इनमें से किस क्रेडिट कार्ड यानी को ब्रांडेड किसने इनमें से किस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है। रिटेलियो एक ब्रांड है, एक्चुअली क्या है, रिटेलियो एक ब्रांड है, इसके साथ टाई अप किया है क्रेडिट कार्ड के लिए। इनमें से किसने, एक्सिस, ICICI, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, फटाफट जवाब दीजिएगा इनमें से किसने लॉन्च किया है, रिटेलियो, रिटेलियो के साथ पार्टनरशिप किसने किया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा, इसने रिटेलियो के साथ पार्टनरशिप किया HDFC बैंक ने। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई, और इसके हेड कौन है, शशिधर जगदीशन। कौन हेड है, शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन इज द हेड ऑफ किसके, HDFC बैंक के, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और HDFC बैंक ने रिटेलियो के साथ टाई अप किया है, ठीक है, और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, यानी कि एक के साथ दो लोग मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, RBI विल ट्रांसफर 30,307 करोड़ एज डिविडेंड टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। इन मे 2021 RBI अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 99,122, ठीक है, करोड़ होगा ये एक्चुअली, ऑन फॉर मंथ पीरियड, यानी कितने महीने के लिए। तो दोस्तों यानी कि ये RBI ने जो 30,307 करोड़ 1994 में, प्रीति 1994 में 30,307 करोड़ का जो डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 22 में RBI को ट्रांसफर, RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया, ये कितने महीने का डिविडेंड था, यानी कितने मंथ का लाभांश था। कहने का मतलब क्या कि अगर आप RBI अगर देखा जाए तो RBI कब आया था, RBI आया था 1935 में, लेकिन एक्ट कब आया था, एक्ट आया था 1934 में, ठीक है। तो जब 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि इसमें किसका रोल हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन मतलब 51% से ज्यादा का स्टेक किसका हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक हो गया, ठीक है। जो 51% से ज्यादा का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें टेक्निकली ये किसकी बॉडी हो गई, तो ये आपकी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी। तो भैया अगर हम कंपनी चलाते हैं तो कंपनी के जो जिस मैक्सिमम शेयर होल्डर होते हैं उनको, कंपनी का जो ऑनर होता है वो उसका लाभांश भी लेता है, यानी लाभ का अंश, कंपनी का जो पर्टिकुलर कोई मालिक होगा, मालिक लॉस भी बियर करेगा और लाभ भी लेगा। तो जब RBI को लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, RBI जो इनकम जनरेट करती है उसका एक सर्टेन परसेंट जो लाभांश के तौर पर किसको देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगती नहीं है, ये एक्चुअल हक का पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में राष्ट्रीयकरण किया था RBI का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा था। तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक अगर इनडायरेक्टली टेक्निकली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है।
तो जब आरबीआई का जो भी लाभांश होता है वो पैसा किसको ट्रांसफर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और यही पैसा जो 30,307 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया, ये मात्र कितने महीने का था, 9 महीने का। पिछले साल 99,122 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किया गया था, ये टोटल 12 महीने का था, एक साल का था, लेकिन ये जो था ये मात्र 9 महीने का है, 30,307 करोड़ रुपए। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको पूरा का पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाई आरबीआई एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2022। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर इनमें से किसको अपॉइंट किया गया? राजीव रंजन, श्रीकांत पटनायक, सौरभ सिन्हा, विवेक दीप, या बोथ ए एंड बी? दोस्तों फटाफट जवाब दीजिएगा, किसको अपॉइंट किया गया? 1 मई से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया, कौन कौन? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋचा जायसवाल का जवाब आ रहा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी। जी हाँ, राजीव रंजन और श्रीकांत, ऐसे श्रीकांता पटनायक, एस पटनायक साहब, राजीव रंजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी अपॉइंट किए गए हैं, और श्रीकांत पटनायक आपको याद रखना, ये दोनों लोग आए थे बट मॉनेटरी पॉलिसी में केवल राजीव रंजन गए हैं मृदुल सक्कर की जगह पर, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन है जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत उलझाने वाले क्वेश्चन है, जिसमें आप उलझ के रह जाते हो और दमखम तोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर इसे, ऐसे क्वेश्चन में लगता दोनों एईडी है, दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन है, तो राजीव रंजन है। अगला क्वेश्चन, एसएस मुंद्रा, ठीक है दोस्तों, एसएस मुंद्रा, सुभाष सीओ रतन मुंद्रा, जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज और कंपनीज? दोस्तों एसएस मुंद्रा को भी हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय या कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों बीएससी, एनएससी, टीसीआईएल, बीएआरके, बीएआरसी या आईआरडीएआई? एसएस मुंद्रा और सुभाष सीओ रतन मुंद्रा, दोस्तों आपको याद ना, आशीष चौहान, आशीष कुमार चौहान, दोस्तों आशीष कुमार चौहान की बात करें तो ये किसके बने हैं, ये हैं एनएससी के, एनएससी, और एसएस मुंद्रा किसके बने हैं, तो ऑप्शन ए बीएससी, बॉम्बे स्टॉक, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए होगा ना, ए होगा, ये ए होगा, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, एक्चुअली इट्स ए, ए होगा। जी हाँ सर, जी हाँ, आपको आरआरबी पीओ के लिए मॉक मिल जाएगा, ऑनलाइन मॉक ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ओपेंड इट्स रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी? दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी लोग जवाब दे लोगे, हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ और थी, ठीक है, आज क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ और है, ये आपको याद रखना, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका, इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ओपन इट्स रीजनल ऑफिस? किसने ओपन किया है? वेल्डन पलक, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी, डीजे पांडियन, याद है डीजे पांडियन इज द हेड ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ किसके, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, which is situated in Gift City, Gujarat, ठीक है, NDB, New Development Bank, ये याद रखना आप लोगों ने, DJ Pandian, दोस्तों एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, इसके 9 बोर्ड 9 मेंबर हैं, एक तो 5 तो ब्रिक्स के ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 आपके ब्रिक्स के हैं, 4 और हैं ब्रिक्स ब्यू, ब्रिक्स ब्यू याद रखना है, तो ब्रिक्स ये हो गए, ब्यू से क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश, इजिप्ट, उरुग्वे और यूएई। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट कंट्री कौन सी है, तो लास्ट कंट्री है मेरे चैंप इजिप्ट, इजिप्ट इसकी लास्ट कंट्री मेंबर है, किसकी, एशियन सॉरी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का लास्ट मेंबर है इजिप्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ पीटर एल्बर्स एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? दोस्तों पीटर एल्बर्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इनमें से पर्टिकुलर किस बॉडी ने अपॉइंट किया है? एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, गो एयर या फिर विस्तारा एयरलाइंस? दोस्तों पीटर एल्बर्स को अपॉइंट किया है सीईओ, ठीक है, इनमें से किसे सीईओ अपॉइंट किया गया, ठीक है, सॉरी सीईओ अपॉइंट किया है पीटर एल्बर्स को, किस पर्टिकुलर बॉडी ने? एयर इंडिया,
इंडिगो, जेट एयरवेज, गो एयर या विस्तारा। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसको अपॉइंट किया है किसने? तो इंडिगो ने। किसने? तो इंडिगो ने। और दोस्तों इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है रोनो दत्ता। कौन है? रोनो दत्ता। और ये कब से कार्यभार? 1 अक्टूबर से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। 1 अक्टूबर से इन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया है। पीटर एल्बर्स साहब। कौन? पीटर एल्बर्स। जी हाँ मौसमी, इंडिगो एयरलाइंस। जी हाँ बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिगो। तो दोस्तों ये आपके थे टॉप 15 आपके इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स। गाइस ये आपके मिक्सअप है, हम आपको और अच्छे से और थोड़ा और तरीके से नया तरीके से और अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी आपको बैंकिंग टर्म्स पढ़ना है तो यह है तो इंटरव्यू के लिए, वो 4:45 पे आपकी बैंकिंग टर्म्स की क्लास लेके आएंगे मात्र 15 मिनट के लिए, जो टर्मिनोलॉजीज है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़ना ना भूला 4:45 पर। और रात 12 बजे तो आपको पता ही है, 12 बजे वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अब उसी क्लास को हम आईबी के क्लास में कन्वर्ट कर देंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप तैयारी करना शुरू कर दो, फॉर्म फिल भी कर सकते हो, बहुत मजेदार फॉर्म होगा, बहुत इनफैक्ट वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर जो सीबीओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैंपियन, ठीक है, तो आपको कोड आपको याद रखना है, Y307 कोड लगा के लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं करंट बैंकिंग और करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स कह सकते हो या फिर करंट अफेयर्स कह लो। ये हम आपको जनरल अवेयरनेस यानी पूरा पोर्शन आपका कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हो। आपका ये तो अभी आपको ये मंथ वाइज है, छोटे छोटे एक एक पार्ट है, 1 महीने में आपके 5 पार्ट होंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। दोस्तों सीबीओ और इसको ज्वाइन करने के लिए, इसके बुक किट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप कोड लगा सकते हो Y307। इनफैक्ट किसी भी मॉक को या बुक को लेने के लिए आप इस कोड को लगा के इनरोल करा सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी अपने अपने ख्याल रखिएगा अपना। फिर अभी जस्ट 15 मिनट के बाद हम फिर से मिलेंगे आपसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ, जो इंटरव्यू का बैच है। मात्र 3 या 4 टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मजेदार टर्म्स होगा। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो, नहीं भी बैठ रहे हो, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्लास को, जस्ट यहीं पर इसके बाद ही होगी क्लास। ओके गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे, लव यू टू ऑल। आप सभी को ढेर सारा प्यार और स्नेह, महादेव दोस्तों।